रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज के खास प्रोग्राम में इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से और यस इंडिया की जानिब से आज हमारे खास मेहमान हैं जिनसे आज हम सवाल जवाब करेंगे मौजूदा हालात पर। हर रोज हम देखते हैं कि एक नई खबर मुसलमानों के खिलाफ, कभी मॉब लिंचिंग, कभी तीन तलाक से शुरू होते हुए अब ये मामला आगे बढ़ते हुए, अब जो है कभी झटका, कभी हिजाब, तो इस तरह के मामला। सबसे पहले हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब दस्तगीर आगा साहब, जो कुल हिंद नायब सदर भी हैं, लिहाजा आप आज उनके साथ हम कई सवाल के साथ उनसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले खैर मकदम इस्तकबाल सर, जिस तरह से हमने देखा है कि रोज़ाना किसी न किसी तरीके से मुस्लिम समाज को हिरासा किया जा रहा है, खरगांव का भी हमने देखा है कि इससे पहले भी कई सारे फसादात हुए, और रियासत कर्नाटक में रोज़ाना कुछ न कुछ वारदातें होती दिखाई दे रही है, तो ये जो एक तरह से एक ज़मीन तंग करने का मामला नज़र आ रहा है मुसलमानों को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे सर, बताइए। सबसे पहला मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप मुझे बुलाए और यस इंडिया और हमारे इत्तेहाद न्यूज़ के बारे में इकबाल जकाती साहब जो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, और अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आज जो हालात हो रही है, जो हम 2021-22 या 2020 से जो देख रहे हैं, या यूं कहें कि मोदी 2.0 जो कह रहा है, इसका जो ये है, ये आज नहीं, ये हमारे कंसिस्टेंटली हमारे पिछले जो सरकारों में जो मुसलमानों की जो गलत नुमाइंदगी होने के कारण जो चीज बढ़ते 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 आज एक जो है वो तिनके तिनके से, जैसा बूंद बूंद से दरिया भरती है, वैसा ये छोटे 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 चीजों से आज एक बड़ा हिमालय पहाड़ बन चुका है, और वो पहाड़ टूट के पूरे मुसलमान कौम के ऊपर पड़ रहा है, और इसकी वजह सब लोग है, पूरा हमारा मुस्लिम, हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम पूरे है, हमारे हर जमात के लोग इसके अंदर उतने ही गुनहगार हैं जितने के आज जो ये हो रहे, क्योंकि ये जो संगी जो लोग हैं, ये लोगों का मकसद क्या है, ये इनको खुद को भी मालूम नहीं इनका क्या मकसद है, लेकिन उसके साथ साथ इनको, इनके पीछे जो ताकत जो चल रही है, आरएसएस से भी ऊपर की जो ताकत है, वो जो ताकतें इनसे जो काम लगा रहे हैं, और इसका ये कुल जो भी हो रहा है उसका एक फायदा होता है किसी को भी, और वो मॉनेटरी फायदा जो हो रहा है, जो महंगाई के रूप में या जो दूसरा जो बिजनेस खत्म होने के बीच में, और अभी जैसा कि अभी नया जो कॉन्सेप्ट आ रहा है होम डिलीवरी का, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि छोटे छोटे जो दुकानदार जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को वो लोग फायदे में, उनके फायदे के लिए ये जो संगी जो है, बजरंग दल है, ये आरएसएस है, ये जो छोटे मोटे ये जो लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारे पड़ोसी है, एक जमाने में हमारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हमारे दोस्ती आज हमारे दुश्मन बन गए हैं, और ये लोगों को, उनको जो भड़का रहे हैं, उनको जो ये कर रहे हैं, आज हमारे पे बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। और आप जैसा बोले कि आए दिन ये प्रॉब्लम आ रहा है, और ये आए दिन प्रॉब्लम पहले भी होता, 72 के अंदर भी जब वो जबरन नसबंदी का भी प्रोग्राम आया था, उसके बाद में शाहबानो केस का भी प्रोग्राम। आपने यहाँ पर, मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने एक बात कही कि जितने जुल्म करने वाले गुनहगार हैं, यहाँ पर हमारा एक बड़ा तबका भी है जो उनके लिए भी आपने गुनहगार का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो कैसे थोड़ा बता दें। नहीं, वो इसलिए मैं गुनहगार बोल रहा हूँ कि हम जो एक इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हम जो एक एक सिस्टम में रहते, पॉलिटिकल सिस्टम में, वन मैन वन वोट, जो हम, हमारा जो वोट जो है, हमारी जो शनाख्त है, हमारा जो ये है, हम जो कांग्रेस को या सेक्युलर पार्टीज को जो देते हैं, और सेक्युलरिज्म ही आज 2014 के बाद में सेक्युलरिज्म ही खत्म हो गया इंडिया में, वो खत्म होने की वजह से, तो इसका मतलब हम जो, हमारे जो लोग जो मेहनत करे, गलत
जगह के ऊपर जाके हम कह रहे हैं हम एक ऐसे रेगिस्तान में पानी डालने की कोशिश करें जहाँ पे पानी हो। तो हमारे जो इतने साल जो तो इस अभी इस जुमन में आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पूरी हमारी कौमी होता है। क्योंकि लीडर का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, लीडर वो होता है जो, लीडर का मतलब बड़ा, बड़ा जो होता है, जो बड़ा है, जो ऊंचाई से जो आगे की जो देखने दूरंदेशी। अगर वो दूरंदेशी अगर हमारे कौम के लीडरों में, वो चाहे उलमा हो चाहे सियासी लीडर हो, अगर वो दूरंदेशी नहीं थी तो ये गुनाहवान है, ये तो पूरा सरासर गुनाहवान है। तो इनके गुनाहों की सजा आज हम भुगत रहे। दूरंदेशी नहीं थी या दूरंदेशी होने के बावजूद वक्ती फायदे के लिए बताया नहीं गया। हाँ वो भी बोल सकते हैं, वक्ती फायदे के लिए ही बोल सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से हम एक नए अभी हम पिट रहे हैं, जिस तरह से हम जलील हो रहे हैं, जलील और खार हो रहे हैं, वो इस तरफ से देखेंगे तो इनका जो एक एक स्वार्थ था, इनका जो एक सेल्फिशनेस जो था, ये दोनों कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, सियासी है और दीनी रहनुमा। आप जैसा कह रहे हैं कि दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों ने इस मिल्लत को डुबोया, इस तरह से आपका कहना है, तो कितना हिस्सेदारी हो सकती है। सियासी रहनुमाई जो है हमारे, सियासी रहनुमा जो है हमारे को रोड के ऊपर जो ये करते हैं, लेकिन जैसा मैं पहले बताया कि हम एक इंडिया के एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर वो जो सियासी रहनुमाई की ताकत वोटों से आती है, तो वोटों की ताकत को, वोटों को, वोटरों को वलगराने का, वोटों को वो फलाने आदमी को वोट भाव करके बोलने का, ये काम हमारे उलमाए दीन करे। दोनों की बराबर की हिस्सेदारी, तो दोनों की, तो ये समझो कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब सिक्का आप उड़ाएंगे तो या तो टेल पड़ेगा या तो हेड पड़ेगा। यहाँ पर एक मसला है, मसला मतलब आमतौर पर यह कहा जाता है कि उलमा जब किसी एक पार्टी की हिमायत में या वोट देने का ऐलान करते हैं तो वो मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास एक ही पार्टी का ऑप्शन है और उस पार्टी के अलावा हम फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए इनका, इनकी तरफ वोट करने का ऐलान किया जाता रहा। नहीं, ये तो सरासर गलत है पहली बार, क्योंकि ऑप्शंस थे, मुस्लिम लीग बहुत पुरानी पार्टी है और दूसरा ऑप्शन है और एमआईएम थी, एक दूसरा एक ऑप्शन था, छोटा ऑप्शन था, वो बड़ी वो हैदराबाद एक सिटी के पूरा वो ऑप्शन था एक है। और दूसरा जो है कि अभी जब हम लीडर करके बोल रहे हैं, जब हम एक कुछ बड़ी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ज़माने में ही सोचने का था। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं 1980s के बाद में, 80s के पहला जो है कि सिर्फ कांग्रेस थी, थोड़ा बहुत मुस्लिम लीग थी और कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन 80s के बाद में रीजनल पार्टीज का दौर शुरू हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी भी आई, जनता दल पार्टी भी आई, और जनता दल पार्टी टूटने से जनता दल यू एस और बहुत सारी दीगर पार्टीज आए, और तमिलनाडु में आप जाएंगे तो डीएमके है, आप पंजाब में जाएंगे तो अकाली है। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म को हमारे उलमाए दीन बोलो या हमारे सियासी लीडर जो है सेक्युलरिज्म को नहीं समझे, इनका नहीं समझने का जो गुनाह है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर मराठों ने शिवसेना कायम करी, पंजाब में सिखों ने अकाली दल कायम करी, यूपी में जो यादव लोग थे वो समाजवादी कायम करी, दलितों ने एक बहुत रिपब्लिकन पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी तो क्या अनगिनत पार्टी बन चुके, और जिसमें तब बड़ी लीडिंग में बीएसपी बनी, द्रविडियन जो है डीएमके बना, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे ही बन रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी बनी आंध्र प्रदेश में, और ऐसे जो है पूरे सेक्युलरिज्म के नाम पे। तो सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमान कम्युनिटी अपनी क्यों नहीं पार्टी बनी? चलो नहीं बनाई तो एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसको भी सपोर्ट नहीं करे। तो ये इसका जो आज जो खामियाजा ना, आज के जो जो ये आ रहा है। और मैं एक बात मैं आपको बोलने, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा,
या मैं समझता हूँ कि मेरे बोलने से का मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोजे के हालत में मैं आपके सामने एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आज बात यह है कि मुसलमानों को इस्लाम को रीडिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट इज इस्लाम, हु इज मुस्लिम, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा. क्योंकि हमारे को आज तो आप देख रहे हैं आज जो मौजूदा हालात में झटका बंद, बुरका बंद, हिजाब बंद, तुम्हारा ट्रिपल तलाक बंद, हमारे एक ने हर चीज में आजान का बंद, और हर चीज में मुसलमानों के ऊपर ऑब्जेक्शन आ रहा है. तो आज मुसलमान क्या ये चीजों को रह सकता है, तो रीडिफाइन हमारे को करना पड़ेगा. अच्छा, उलमा कराम यहाँ पर बिल्कुल एक सही बात, सही मतलब एक अहम मुद्दे की तरफ आप बात को ले जा रहे हैं कि यहाँ पर जितने सारे मसाइल आपने गिनवाए, वो तीन तलाक से लेकर आज मस्जिद की अजानों की पाबंदी तक हो, या हिजाब हो, हलाल गोश्त वाला मामला हो, मुसलमानों का सोशल बायकॉट हो, सारी चीज़ों को उलमा का जो तबका है, खासकर जो उलमा के बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, नामियात तंजीमें हैं, जिनके फैसलों पर कई सारे मसाइल पर उम्मत काम करती है, अमल करती है, लेकिन आज वो खामोशी से इन सारे मसाइल को तस्लीम करती हुई नजर आ रही है. बस एक आध खतूत लिखकर एक आध मैसेज फॉरवर्ड करने के अलावा कोई बड़ा अमल नजर नहीं आ रहा है. तो ऐसे में इन तंजीमों के हवाले से आप जो बात करें वो कहीं ना कहीं सही मतलब इस्लामी जो शरीयत का जो दायरा है, ये तमाम चीजें हम हुकूमत के सामने ये रखा जाए कि इसमें हमारा समझौता नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, देखो पहली बात जो है, इस्लाम इस्लामिक मजहब है जी, और हम उसको मजहब से ज्यादा दीन इस्लाम बोलते हैं जी, और हिंदू भी एक मजहब है. अब उसमें जैन है, लिंगायत है, बहुत सारे सिख है, बहुत सारे है, और ऐसा जो क्रिश्चियनिटी भी है. अब क्रिश्चियनिटी के अंदर भी प्रोटेस्टेंट है, जेजुएट्स है, ऐसे बहुत सारे उनके भी फिरके हैं, और यहूदी भी एक मजहब है. लेकिन इस्लाम जो है, कुछ जगहों के ऊपर इस्लाम हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करता उसके शरीयत के जो दायरे है. अगर हम वहां पे जाके कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम इस्लाम के दायरे से बाहर जाते हैं. ये हम हमारे बुजुर्गों से, हमारे उलमा से हम ये सीखे हैं, हमारे बचपन में ये बात हम सीखे हैं, और उसके ऊपर हम अमल करें. जैसा कि अभी एक नए जैसा एक खंजीर खा के मुसलमान नहीं हो सकता, रोजा के हालत में हम कुछ काम नहीं कर सकते, डिफेंड है नहीं, वो ऐसा मसलियतन चल जाता है, ऐसा डूज एंड डोंट्स हैं इसके. तो इसके डूज एंड डोंट्स क्लियरली इस्लाम डिफाइन कर चुका है जी. तो ये कुछ हमारे जो बातें हैं जिससे हम इस लाइन के बाहर नहीं आ सकते. अब कुछ बातें हैं कि निकाह करना है, चलो मस्जिद में करते हैं, चलो हॉल में करते हैं, वो थोड़ा 19-20 हो सकता है. अब निकाह का जो दफ्तर है वो यहाँ पे करने से बदल आप सब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर करो, वहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हम कर सकते हैं. लेकिन जहाँ तक अजान है, अजान को तो बुलंद आवाज में बोलना है जी. और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो माइक नहीं था, माइक आया 50-100 बरस के अंदर माइक आया है. लेकिन वो जमाने में कम्युनिटी भी छोटी थी जी, घर भी छोटे थे. आज बड़े बड़े हाई राइज स्काईस्क्रैपर्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे आवाज आपकी टकरा के नहीं, तो आपकी आवाज बुलंद आवाज में, इसके लिए माइक चाहिए. तो ये माइक हम बंद कर सकते हैं क्या इस्लाम में? ये चीजों को आज हम नई तरीके से डिफाइन कर, जैसा अभी हिजाब का है, हिजाब को हम बगैर हिजाब के क्या एक मुस्लिम खवातीन या मुस्लिम बच्ची जो है रह सकती है क्या जी? गुनाह से ये होकर तो ऐसे जो है. अब जैसा कि अभी शराब का मामला है, जैसा अभी अभी जैसा एक झटके का मामला है, अभी जो हलाल मीट का मामला है, हलाल मीट अभी फॉर एग्जांपल अभी हम किसी होटल में जा रहे हैं जहां पे हलाल मीट वहां पे परोसा नहीं जाता, जहाँ पे ये नहीं होता, तो ऐसे इसके अंदर हम खाए तो चलता ही क्या? नहीं चलता सही. तो नहीं चलता, तो ये सब चीज जो है हमारे उलमाए दीन को बैठ कर, भले वो सुनी हो, तबलीग हो, अहले हदीस हो, जो भी है, इनको बैठ कर
एक हमारे डूज एंड डोंट्स बनाना चाहिए, क्योंकि व्हाट इज इस्लाम का मतलब, इस्लाम जो है वो कुरान से ही आता है। कुरान में जैसा है कि सोम सलात, तो सलात करके इस्लाम में लिखा है, लेकिन कितने रकात पढ़ना चाहिए, अतायत कब करना चाहिए, अलम का सूरा कब पढ़ना चाहिए, ये जो है वो हदीस में मिलता है। तो ये हदीस और कुरान के रोशनी में हमारे को एक डूज एंड डोंट्स का लगाना, और इसके ऊपर पहली बात तो पूरे मुसलमानों में ये बात जाना, और इसका एक स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग मैसेज जो है सरकार को जाना कि मुसलमान मतलब इस चीजों से मुसलमान है वरना मुसलमान नहीं, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारा क्या है, आप सरकार हमारे बारे में कुछ अलग फैसला। शरीफ भाई ये बहुत सही बात कही इन्होंने कि हमको, हमारे जो भी नाज़रीन देख रहे हैं, कि दस्तगीर आगा साहब ने जो बात कही है कि हमको हर रोज उठकर जो है इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, बस एक चेकलिस्ट देना है गवर्नमेंट को, ये चीजें हैं जिसमें मुसलमान समझौता नहीं कर सकता, और ये अगर छोड़कर आप किसी भी छोटी मोटी बात में यहाँ वहाँ हो सकता है, ये बात भाई बात रो, रो, रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार इसका खुलासा हो जाना चाहिए। जी, जी। क्यों, और सबसे पहली बात, बहुत अहम बात की तरफ आपने इशारा किया दस्तगीर आगा साहब ने, कि उलमा की जानिब से जो बात खुलकर सामने आनी चाहिए थी उसको खामोशी से तस्लीम करने के बजाय बता देना चाहिए था कि कहाँ थोड़ा बहुत हम ऊंच नीच कर सकते हैं इस्लाम में, कहाँ पर हम नहीं कर सकते, वो हमारे लिए लाजमी है। लेकिन ये बात सामने नहीं आने की वजह से आज कहीं पर अजानें बंद भी की जाती हैं, और कहीं पर हलाल को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी बातें हो रही, हिजाब को लेकर कई बच्चियाँ हिजाब निकालने की भी बातें कर रही थी। तो ये इसलिए होता है कि उलमा की तरफ से क्लियर पिक्चर या संजीदगी का एक मैटर जब सामने नहीं आता। और दूसरी अहम बात आपने ये भी कही कि ये सारा मुद्दा हुकूमत के सामने रखा जाए, बिल्कुल, कि यहाँ पर हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें आज़ादी से इन उसूलों के साथ जीने दिया जाए जिस तरह से हम पहले भी जी रहे थे, इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और ये आज़ादी भी जो है हमको संविधान ने ही दी है इस मजहब के ऊपर चलने की। तो जो दायरे हैं इस्लाम के जिसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, तो ये तमाम चेकलिस्ट हुकूमत के सामने रखा जाए, क्योंकि ये हर रोज बहस करने से अच्छा है उलमा इकराम की जानिब से जो है ये पहल की जाए और उनके सामने ये लिस्ट रखी जाए, ताकि आइंदा के लिए किसी तरह का मसला ही ना उठे। और एक आम तौर पर ये भी बता दिया जाए कि इस्लाम क्या है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दोबारा समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम क्या है और उसके उसूल क्या है, एक बार फिर उम्मत को। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आज मौजूद थे खास मेहमान दस्तगीर आगा साहब, उन्होंने कई सारी बातें आज हमारे सामने की। मैं इकबाल जकाती और यस इंडिया की जानिब से शरीफ अहमद शरीफ, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़ और यस इंडिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।